कॉमर्स करियर सेंटर आरा सिटी न्यू बीकॉम पार्ट वन बैच में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पहले आप ये जान लें कि आपका जो कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पार्ट वन में आपको दो ऑनर्स पढ़ने हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंट जो आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो, आसान भी आपको लग रहा है। उसके बाद आपका सेकेंड होता है ऑनरेबल सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑडिटिंग, ये आपका पेपर नंबर सेकेंड कहलाता है। पेपर वन फाइनेंशियल अकाउंट और पेपर टू ऑडिटिंग, यही दोनों पेपर में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसमें तो केवल लिखने वाले नोट्स हैं, थ्योरी है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करना है कि ये केवल लिखने वाला है, ये नहीं, दोनों में आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। यदि दोनों मिलाकर आप 90 नहीं लाते हो, 90 नहीं लाते हो, तो आपको कम पार्ट लग सकते हैं। तो इसके लिए जब और अच्छा करना चाहते हैं तो आपका 60 से एबव आना चाहिए। इसमें केवल लिखने वाला है, समझने वाला है, तो काफ़ी आसान लगता है, इंटरेस्टेड लगता है। तो आइए ऑडिटिंग के विषय में आज जानते हैं। ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण, अंकेक्षण मतलब अंकों का प्रेक्षण। पहले अंकों का प्रेक्षण कौन करते थे? न्यायाधीश करते थे, यानी कि जज। जज के सामने अपनी बही खाता के बारे में हम समझाते थे, तो बही खाता में जो भी कमी होती थी वही देखते थे, उसके बारे में वो आदेश देते थे। लेकिन जज की योग्यता और सीए की योग्यता में काफ़ी अंतर होती है। आज के डेट में एक क्वालिफाइड सीए ही ऑडिटर बन पाता है। ऑडिट करने वाले यानी लेखा बही को देखने वाले को कहते हैं ऑडिटर, यानी ऑडिट सबसे ऑडिटर बना है। ऑडिटर आपके खाते बही का ऑडिट करता है, देखता है कि कहाँ गलती है, तो वही ऑडिटर कहलाता है। सबसे पहले यानी कि हम अपने पुराने समाज की बात करते हैं, तो सबसे पहले बना बुककीपिंग यानी फाइनेंशियल बहियों को देख रेख करना, अच्छी तरह रखना, सजा कर रखना, बुककीपिंग कहलाया। बुककीपिंग के बाद आवश्यकता पड़ी और अकाउंटिंग यानी लेखांकन की जरूरत पड़ी कि कैसे लेखा पुस्तकों में इसको रखा जाए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा डेबिट और क्रेडिट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसमें कोई धोखा कर सकता है, बेईमानी कर सकता है, करप्शन कर सकता है, तो इसके लिए बना सर जी ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब अंकेक्षण, यानी अकाउंट्स बहियों को देख रेख करने के लिए क्वालिफाइड सीए यानी बने ऑडिटर जो करते हैं ऑडिटिंग। इसके बाद इसकी अलग अलग परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, या बहुत सारे साइंटिस्ट दिए हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लेकिन अब हम चलते हैं कि ऑडिटर के लिए, ऑडिटिंग के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसके बारे में नहीं जाना जाए। सबसे पहली बात है एक संस्था का होना। सबसे पहली बात कि किस संस्था का ऑडिटिंग करना है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, किस चीज़ का आप ऑडिटिंग करने जा रहे हैं, वो संस्था के बारे में पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपको ऑडिटिंग कहाँ करना है और किस तरह का वहाँ पे खाता बही मिलेगा, कैसे कैसे ऑडिटिंग होगा, यह संस्था का होना पहले ज़रूरी है। दूसरी बात, पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जाँच। जो भी पुस्तक रिसिप्ट एंड पेमेंट वो रखा हुआ है, आय व्यय के बारे में जो भी चीज वो बता रहा है, उसकी शुद्धता कैसे प्रकट की जाए, वो सत्य लिखा है कि नहीं, इस बात की खोजबीन करनी होगी। तीसरी चीज है प्रमाणकों का प्रयोग। प्रमाणक का मतलब होता है भाउचर, और भाउचर को जब देख रेख किया जाता है तो उसको कहते हैं भाउचिंग। तो जो भी आप लेन देन देखने जा रहे हैं, प्रत्येक लेन देन का आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का रसीद देखें, डेट वाइज देखें, तब जाकर उस प्रमाणक पर विश्वास करें। किसी ने कुछ भी लिख दिया कि ये आया और ये गया, उस पर हम नहीं मानेंगे। यदि हम एक ऑडिटर हैं तो सारे चीज़ की प्रमाणक की मांग करेंगे। कहा भी जाता है भाउचर इज द बैकबोन, यानी कि भाउचर एक ऑडिटर के लिए रीढ़ की हड्डी है। जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी काम करती है, तो अगर ऑडिटर प्रमाणक को ही ना रखे तो अपना काम वो कैसे करेगा। प्रमाणक सबसे जरूरी माना जाता है, भाउचर जरूरी है। नेक्स्ट, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठी का सत्यापन। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग को देखना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी खर्च
हाउसहोल्ड का तो नहीं है, बेकार खर्च तो नहीं डाले गए हैं, अधिक खर्च यानी कि जो रिलेटेड नहीं है, अन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अधिक बढ़ाकर यानी कि नेट प्रॉफिट को ज़्यादा कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये देखना होगा कि एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं लिखे गए हैं, बैलेंस शीट में जो संपत्ति कंपनी का है वही तो दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो मॉर्गेज की संपत्ति दिखा रहा है। इस तरीके से दोनों का सत्यापन होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कहीं से कोई भ्रामक वस्तुओं को तो नहीं डाला गया है, यानी जो अपना नहीं है उसी को तो नहीं डाल दिया है। इन सारी बातों का ध्यान देना जरूरी होगा। निश्चित अवधि आप ऑडिटिंग करते हैं तो ये भी ध्यान देना होगी, आपकी टीम जितने लोग हैं वो एक निश्चित अवधि में अपना काम करके लौटें, क्योंकि निश्चित अवधि में काम नहीं करने पर आपकी काम गड़बड़ भी हो सकती है। इस तरीके से आपका काम निश्चित अवधि में किसको राइट मैन राइट जॉब, जो उसका हेड होगा वो सभी को काम बांट देगा कि किसको किस तरीके का बही चेक करना है, किसको क्या करना है, राइट मैन राइट जॉब दे देता है तो काम जल्दी होगा, अवधि के अंदर होगा। इसके बाद आपका है बुद्धिमत्तापूर्ण। सब कुछ पढ़ाई नॉलेज नहीं होती है, कुछ अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। सब कुछ पढ़ाई नॉलेज नहीं देगा, सब सारी नॉलेज आपको किताब नहीं देगा, तो इसके लिए किसके बाद क्या काम करना होगा इस स्टेप को आपको खुद से माइंड लगाना होगा। क्योंकि यदि आप हेड बनते हो तो आपके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, यदि आप कोई गलती करते हो तो परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप जो भी फैसला ले, जो भी डिसीजंस ले, वो थोड़ी उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। तो आज के क्वेश्चंस या नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसे आराम से देखेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबे क्वेश्चन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बीकॉम के विद्यार्थियों को शायद ये पता नहीं है, आपकी जो सिलेबस है वो किस प्रकार की है। जो भी नोट्स के पेपर्स होंगे, ऑडिटिंग या चाहे बीओ या आपका इकोनॉमिक्स, जो भी ये लिखने वाले यानी थ्योरी पेपर आएंगे उसमें 4 क्वेश्चन लॉन्ग लिखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 350 वर्ड से ज़्यादा, यानी कि आपका 3-3.5 पेज से ज़्यादा का नोट्स होना चाहिए। 4 लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में लिखने हैं और 1 ऑब्जेक्टिव जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे जो प्रत्येक 2 नंबर का होगा, तो कुल मिला के वो 100 नंबर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 350 वर्ड में ये नोट्स तैयार करने होंगे। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यदि आपको उसमें कहीं पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमर्स करियर सेंटर के नाम से है, इससे आपको बेहतर जानकारियाँ मिलती रहेंगी, आप अपडेट होते रहेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद।